हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। आज की वीडियो, जैसे आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया है कि हम जो है 14 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान का जो है हम मेकअप करेंगे, जो कि बिल्कुल ही सिंपल और झटपट होने वाला मेकअप है। सो अब हम जो है ना बगैर टाइम वेस्ट किए जो है ना हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर करती चलूँ कि ये मेकअप लुक जो है ना मैंने बहुत ही ज़्यादा जल्दी में किया है, बहुत 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 ज़्यादा जल्दी में किया, जिसे कहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी में किया है जी। तो क्यों जल्दी में किया है ये बात जो है छोड़ते हैं, फिर किसी दिन करेंगे। बट बता दूँ, मतलब घर में ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि मैं जो है ना वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करती। सो बट जो है ये ओकेजन था और काफ़ी दिन हो गए थे मुझे वीडियो नहीं अपलोड किए हुए ड्यू टू सम रीजंस। तो जो है इस वजह से जो है ना मैंने सोचा चलो आज जो है ना कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने बस जल्दी जल्दी किया है, मतलब आपको ना एक स्ट्रक्चर दिया है कि ना आप ऐसा मेकअप कर सकते हैं, ये नहीं कि मतलब ऐसा ही करना है। लेकिन आपका जो है अगर आपके पास अच्छे पिगमेंटेड जो है ना आपके पास पैलेट है तो आप वो यूज़ करें तो आपका मेकअप ये बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पर मैंने कंसीलर कर लिया है। आप लोग मेरे सांस लेने से मतलब बोलने से पता चल ही रहा होगा कि इस टाइम मैं कितनी जल्दी जल्दी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने वीडियो शूट किया, मैं साथ ही जो है ना वॉइस ओवर करने बैठती हूँ। तो जो है ना बिकॉज कल 14 अगस्त है और अभी टाइम हो रहा है 9 बजने हैं, सो 10 बजे से पहले जो है ना मेरे इसे अपलोड भी करना है। तो मेरी कोशिश यही होगी, बट आगे जो है कभी मेरे मोबाइल का स्टोरेज का मसला होता है, कभी यूट्यूब का की तरफ से, मतलब यूट्यूब की तरफ से नहीं, मतलब नेट स्लो होता है मेरा, तो उसकी वजह से भी ना हो जाता है कभी कभी स्लो। सो सबसे पहले जो है मैंने कंसील कर लिया अपनी आईज़, तो देन जो है इसके ऊपर मैं लूज पाउडर से इसको लॉक कर लूँगी। यहाँ पे आपने कोई भी मतलब चीज लाइन कुछ भी नहीं करना, सिंपल जो है ना मेकअप मतलब बहुत ही सिंपल है, मतलब जो न्यू बिगनर्स हैं वो भी बहुत आराम से जो है ना इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना कोशिश कीजिएगा कि वाइट बेस यूज़ कीजिएगा, अगर वाइट बेस ना हो तो जो है ना आप वाइट कलर लेके ना जो आई शेडो पैलेट्स में होता है, ठीक है, अपना कंसील वगैरह करने के बाद आप वो लगा लेगा जैसे कि मैंने लगाया है, ठीक है। और आज मैं ना आउट ऑफ कैमरा भी बहुत दफ़ा होंगी, सो इग्नोर कीजिएगा। इस तरह का कोई वाइट शेड हो आपके पास तो आपने वो जो है ना अपनी पूरी आईज़ पे जो है ना अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये बहुत लाइट बेबी से मतलब बहुत लाइट पिंक था तो जो कि ना वाइट टोन में ही आ रहा था, तो मैंने जो है ना मतलब आ रहा नहीं था, मतलब ये इसका पिगमेंटेशन यही है, वाइट ही है, सो मैंने कहा चलो ये ना अप्लाई कर लेती हूँ। तो मैंने ये जो है ना अपनी आईज़ पे अप्लाई कर लिया है। देन जो है अगर आपके पास कोई भी सिल्वर हाइलाइटर है, किसी भी आई शेडो पैलेट में सिल्वर कलर है, आपने वो सिंपल अपनी फिंगर्स पे लेना है या ब्रश पे लेना है और सिंपल जो है ना अपनी पूरी आईज़ पे जो है ना वो अप्लाई कर देना है। सिंपल, सिर्फ इतना सा आपका जो है ना मेकअप है। आप देख सकते हैं जैसे ये मेरे पास सिल्वर है ना, वाइट लगाने से ये होगा कि आपका जो कलर है ना वो उठ के आएगा। अगर आप स्किन लगाते हैं या कंसीलर के ऊपर या लूज़ पाउडर के ऊपर, लूज़ पाउडर भी जो है ना थोड़ा स्किन शेड का होता है हमारा, अगर आपके पास लूज़ पाउडर वाइट कलर में है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो है ना मेरा स्किन टोन में था तो मैं इस वजह से जो है ना मैंने वो अप्लाई कर लिया, ठीक है। आपने जो है ना इतना सिंपल जो है ना सिल्वर अब अप्लाई कर देना है और दैट्स इट, कोई क्रीज नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, दैट्स इट। आपने बस जो है ना इतना सिंपल सा जो है ना ये आपने करना है, ठीक है। वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेकअप करने का दिल करेगा ही नहीं किसी का, सो बिल्कुल सिंपल सा जो है ना मैंने किया। मेरा अब तो शूट करने का भी दिल नहीं था बट मुझे करना पड़ा, वरना मतलब बहुत ही दिन हो गए थे मैंने नहीं किए थे। अब जो आगे मेरी जो वीडियोस आएंगी ना वो ऑलरेडी शूट है मेरे पास, ये जो है ना मैंने इसलिए शूट करनी पड़ी क्योंकि जो है 14 अगस्त का था और मेरे पास इसके लिए कोई शूट नहीं थी वीडियो। अब जो नेक्स्ट आएंगी 5-6 वीडियोस वो जो है ना ऑलरेडी शूट पड़ी हुई है मेरे पास, मैंने शूट किया हुआ उनका, सो वो जो है ना अब मैं अपलोड करती जाऊँगी। पीछे जो है ना वो उसमें भी टाइम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है ना आपने कोई सा भी, आज तो है ना मुझे ये भी नहीं पता था मैं कौन सा ब्रश कहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, कुछ भी नहीं मुझे पता था। जो सा ब्रश मेरे हाथ में आ रहा था मैंने बस वही पकड़ा और उसी से जो है ना अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। देन जो है ना मैंने कोई भी एंगल ब्रश लेना, उससे जो है ना आपने ग्रीन कलर लेके वो आपने अपनी अंडर आइज़ पे जो है ना लगा देना है। ये लगाने के बाद जो है ना आपने सिल्वर गोल्डन या अगर आपके पास ग्रीन कलर शिमर शेड हो तो आप वो भी जो है ना इनर कॉर्नर पे अपनी बोन पे जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है ना गोल्डन शेड लिया है, आप भी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये देख सकते हैं आप लोग, हाफ मेकअप जो है ना ये हमारा हो चुका है।
और नेक्स्ट जो है हमने अगर नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे मैं आपको टिप दे रही हूँ कि अगर आपके पास जो है ना कोई भी कलर पेंसिल नहीं है देन आपने क्या करना है, आपने कोई भी ब्रश लेना है, उसकी बैक साइड लेनी है, उस पर जो भी कलर आपने जो अप्लाई करना है अपनी आँख के अंदर, तो आपने उसके ऊपर आई शेडो वगैरह अप्लाई करना है और अपनी आईज़ की जो है ना लाइन पे अंडर आई अंडर आई नहीं इन साइड द आई आँख के अंदर जो है ना आपने वो अप्लाई कर देना है। इस टाइम मैं बुखलाई भी बैठी हूँ, मुझे बहुत जल्दी है, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी, इस तरह का ना आपने अप्लाई कर देना है। अभी जो है ना ये दो डिफरेंट मैंने ग्रीन शेड यूज़ किए हैं बट यहाँ पे जो है ना दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना मैंने अप्लाई कर दिया है तो मेरी आँख में पानी आ गया था और पानी आने की वजह से थोड़ी देर में ही ये गायब हो गया था कलर। ठीक है, आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी आँख में पानी ना आए, बट जो है ना यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया। देन जो है मैंने ऑफ कैमरा जो है ना आईलाइनर अप्लाई कर लिया, बिकॉज यू नो कि मुझसे जो है ना ऑन कैमरा जो है ना मस्कारा बिल्कुल नहीं अप्लाई होता, अगर मैं कनों में तो ऊपर नीचे मेरे से लग जाता है। तो देन जो है मस्कारा नहीं आईलाइनर, मस्कारे का भी वैसे यही सीन है लेकिन मस्कारा की मेरी जो है ना थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है कि ऑन कैमरा में देख के भी ना आप कर लेती हूँ। सो जैसे आज मैंने किया है तो यहाँ पे जो है ना मैंने कर लिया है। पहले जो है ना मैंने सोचा था आईलाइनर मैं नहीं लगाऊंगी लेकिन आईलाइनर के बगैर आंख अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने लगा लेनी है। देन जो है ना आज मैं आपको बताऊंगी मैं आईलैशेस कैसे लगाती हूँ। अब मैं ये हाफ आईलैश जो है ना मैंने कट कर लिया है, ये जो है ना बस मैं अपने आउटर कॉर्नर पे जो है ना इस तरह करके अप्लाई कर लूँगी। अभी मैंने इस पर ग्लू नहीं लगाई हुई, जैसे मैं आपको डेमो दे रही हूँ कि किस तरह आपने अप्लाई करनी है, इस तरह बस जो है ना आपने अप्लाई कर देनी है। अभी जो है आँख बहुत खाली लग रही है क्योंकि अंदर जो है ना मेरी आँख के अंदर पानी आ गया और जो मैंने ग्रीन कलर जो है ना अंदर अप्लाई किया था वो अभी उतर गया है। सो अब जो है ना मैं ग्लू लगा के ना देन जो है ना अप्लाई करके जो आती हूँ वापस, तो यहाँ पे जो है ना मैंने जो है अप्लाई कर लिया, ग्लू लगा दिया। अब जो है मुझे अपनी आँख खाली लग रही थी तो मैंने सोचा चलो काजल ही लगा लेते हैं। सो देन जो है ना मैंने काजल जो है ना वो अप्लाई कर लिया। पहले मैंने मस्कारा अंडर आई जो मेरा रह गया था वो मैंने अप्लाई कर लिया, इससे भी आँख खुली लगेगी। सो नेक्स्ट जो है ना मुझे लगता है मेकअप करते हुए ना मेरी आँख का जो है ना एंगल का भी थोड़ा मसला होता है, मतलब मैं कैमरे में नहीं देख पाती क्योंकि वहाँ पे फ्लैश लाइट चल रही होती है तो मैं ना स्क्रीन पे देख रही होती हूँ, तो जैसे ना मेरी आई बॉल कभी इधर होती है कभी उधर होती है। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ना अब मैं फ्लैश लाइट पे देख के बनाने की कोशिश करूँ, जैसे भी मैं फ्लैश लाइट पे देख जहाँ पता चल रहा है। सो ये देख सकते हैं कि तकरीबन हमारा मेकअप जो है ना कंप्लीट हो चुका है, काजल वगैरह सब कुछ ऑल डन है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।